हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक स्मार्ट ईट स्मार्ट। आज हम बनाएंगे पापड़ी लीलवा की सब्जी। साउथ गुजरात में पापड़ी के दाने को लीलवा कहा जाता है और नॉर्थ गुजरात में तुअर के दाने को लीलवा कहा जाता है। तो आज हम बनाएंगे पापड़ी के दाने की सब्जी। ये रेसिपी अक्सर साउथ गुजरात की शादियों में बनाई जाती है। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करें। सुरती पापड़ी लीलवा सब्जी के लिए पहले हम लेंगे एक बोल। उसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा लहसुन 1/4 कप। उसके बाद हम डालेंगे अदरक के 2-3 छोटे टुकड़े। फिर डालेंगे हरी मिर्च 4 नंग। फिर डालेंगे तिल 1 चम्मच। उसके बाद हम डालेंगे नारियल का बुरादा 2 चम्मच। फिर हम डालेंगे सिंग दाना 1 चम्मच और डालेंगे धनिया पत्ती 1/2 कप। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का जूस। अब हम ये सब सामग्री को एक मिक्सचर ग्राइंडर में लेंगे और उसकी पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए आप थोड़ा पानी डाल सकते हो। ये हमारी पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब सब्जी बनाने के लिए एक पैन को हम गरम करने के लिए रखेंगे। उसमें हम डालेंगे तेल 4 चम्मच। जैसे ही तेल थोड़ा गरम हो उसमें हम डालेंगे अजवाइन 1 चम्मच। फिर डालेंगे हींग 1/2 चम्मच। जैसे ही अजवाइन और हींग गरम हो हम उसमें डालेंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च। फिर हम उसमें डालेंगे हरी पेस्ट जो हमने बनाई है। अब हमें इस पेस्ट को तेल में अच्छी तरह से पकाना है। इसके लिए हमें लगेंगे 3 से 4 मिनट। अब हम डालेंगे उसमें शक्कर 1 चम्मच और फिर डालेंगे उसमें नमक स्वाद के अनुसार। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये सब्जी को हमें खुले में ही पकाना है, उसको ढकना नहीं है, क्योंकि अगर हम ढकेंगे तो उसका कलर डल हो जाएगा। अब हम सब्जी में डालेंगे 1/4 कप पानी। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम सूखे मसाले डालेंगे। उसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच। फिर हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। अब हम इसको सब्जी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सुरती पापड़ी के दाने लिए हैं 250 ग्राम। उसको मैंने पानी में अच्छी तरह से उबाल लिया है। ये पापड़ी के दाने को हम ग्रेवी में डालेंगे। अब हम पापड़ी के दाने को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। यहाँ पे मुझे ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है, इसलिए मैं वापस उसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम सब्जी को 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद अब हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन 2 चम्मच और उसको वापस से अच्छी तरह से सब्जी में मिला लेंगे। हमारी पापड़ी लीलवा सब्जी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे एक बाउल में। यहाँ पे लेंगे हम एक बाउल और इसे हम सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में हम सब्जी को हरे लहसुन से गार्निश करेंगे।